नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधु स्वागत करता हूं। धार्मिक पुराण के अनुसार माता दुर्गा के 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री है। नवरात्रि के पावन दिनों में माता के इन रूपों का ही पूजन किया जाता है, क्योंकि नवरात्रि पर शक्ति स्वरूपा जगत जननी माता की पूजा अर्चना की जाती है। माता सती ने ही अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर में शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया था, जिन्हें माँ दुर्गा जी का पहला स्वरूप शैलपुत्री कहा जाता है और नवरात्रि का शुभारंभ माँ शैलपुत्री का पूजन करके ही किया जाता है। तो आइए आपको चैत्र नवरात्र के आगमन से पहले कलश की स्थापना, माता शैलपुत्री की कथा, पूजन विधि के बारे में जानकारी प्रदान करें। कौन है माता शैलपुत्री? दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प धारण किए माँ शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की कन्या थी, तब इनका नाम सती था। पूर्व जन्म में एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें सभी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया गया, परंतु भगवान शंकर को जानबूझकर यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया गया। सती ने यज्ञ में भाग लेने की इच्छा भगवान शंकर को बताई। भगवान शंकर ने कहा कि हमें ना बुलाने के कारण आपका भी वहाँ जाना ठीक नहीं होगा, परंतु सती के यज्ञ में जाने की जिद करने पर भगवान शंकर ने उन्हें अनुमति प्रदान कर दी। घर पहुंचकर केवल माता ने ही उनका सत्कार किया, अन्य सभी ने मुंह फेरे रखा। इतना ही नहीं, उनके पति भगवान शंकर के प्रति कहे अपमानजनक शब्द सुनने पर माता सती ने सोचा भगवान शंकर की बात ना मानकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। भगवान शंकर के इस अपमान को ना सहते हुए वही योगा अग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। इस घटना के बाद शंकर भगवान ने दक्ष के उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अगले जन्म में सती ने शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। गौरतलब है कि पार्वती और हेमवती भी माँ शैलपुत्री के ही नाम हैं। नवरात्र के पहले दिन करें कलश की स्थापना। नवरात्र के प्रथम दिन स्नान कर माता दुर्गा, भगवान श्री गणेश, नवग्रह, कुबेर की मूर्तियों के साथ कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर रौली से ओम और स्वास्तिक लिखें। कलश स्थापना के समय पूजा गृह में पूर्व के कोण की तरफ अथवा घर के आंगन में पूर्वोत्तर भाग में पृथ्वी पर 7 तरह के अनाज रखें। इसके बाद कलश में गंगा जल, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, रौली, कलावा, चंदन, अक्षत, हल्दी, धन और फूल डालें। फिर ओम भूमे नमः कहते हुए कलश को 7 अनाजों सहित रेत के ऊपर स्थापित करें। माँ शैलपुत्री का पूजन और विधि। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 8:39 से 10:03 तक और दोपहर 12:53 से 2:18 तक है। कलश पूजन के बाद पूजन सामग्री अर्पण करते हुए माँ शैलपुत्री की पूजा करें। माँ शैलपुत्री को सफेद कनेर का फूल अर्पित करें। इस दौरान देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तते नमस्तते नमो नमः का जाप करें। सो दोस्तों, ये थी चैत्र नवरात्र के आगमन से पहले कलश की स्थापना, माता शैलपुत्री की कथा, पूजन विधि के बारे में जुड़ी जानकारी। जुड़े रहिए चैनल D5 हिंदी के साथ।